नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे। आज हम डिस्कस करेंगे ओगर टूल के बारे में। जो ओगर टूल होता है वो कारपेंट्री के अंदर यूज़ किया जाता है होल्स को बनाने के लिए, इसलिए हम इसको ड्रिल भी बोलते हैं और बिट भी बोल सकते हैं। तो ओगर एक तरह का कारपेंट्री टूल है। हम देखेंगे इसके पार्ट्स और इसकी वर्किंग और इसका मटेरियल ये किससे बना होता है। तो देखते हैं इसके पार्ट्स और इसकी वर्किंग और इसका जो मटेरियल है, जो उगर है। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो वो इस तरह की हमने यहाँ पे दो फिगर बनाई हैं जिसको हम इजीली समझ सकें। तो इस तरह की शेप की होती है, और ये इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे एंड पे यहाँ पे स्क्रू होता है, इसको हम फीड स्क्रू भी बोलते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास प्लेट है, वुडन जो कोई वर्क पीस है, वुडन की प्लेट है, तो ये जो स्क्रू है ये बिल्कुल पिन पॉइंट इससे इस तरह से लगता है। जैसे हमें यहाँ पे होल करना है तो होल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, वुडन जो प्लेट्स होती हैं या वुडन जो भी हम कहें वर्क पीस होते हैं उनके अंदर। तो ये पॉइंट जो है इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ये इस तरह से यहाँ पे पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि वो पॉइंट है जहाँ पे हमें होल क्रिएट करना है वहाँ पे हम सेंटर में इसको लगा सकें। तो ये जो स्क्रू है ये बिल्कुल सेंटर में लगाया जाता है, तो इसलिए इसको फीड स्क्रू भी बोलते हैं। ये फीड करता है, हल्के हल्के इसके ऊपर थ्रेड भी कटे होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे स्पर होते हैं, इसको हम स्पर बोलते हैं, जो कॉर्नर होता है ये स्पर है, और इसी तरह से इस तरफ भी स्पर होता है। ये स्पर क्या होते हैं, बहुत ही तीखे होते हैं, तीखे एजिज होते हैं। तो ये जो स्पर क्या करते हैं, जैसे ही स्क्रू अंदर जाता है तो ये जो स्पर यहाँ वुड के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जब हम इसको ऊपर से घुमाते हैं हैंडल के साथ घुमाते हैं, तो यहाँ पे जो स्पर हैं एक निशान बनाते हैं, इस तरह का एक गोल निशान बना देते हैं। जहाँ स्क्रू ने क्या किया, बिल्कुल सेंटर किया, स्पर जो हैं तीखे हैं तो ये एक गोल निशान बना देंगे, और इन्हीं स्पर के आगे ये होता है कटिंग लिप, कटिंग लिप्स, कटिंग लिप हम इसको बोलते हैं। ये जो है ये कटिंग लिप है, यहाँ पर ये भी कटिंग लिप है, तो ये दोनों कटिंग लिप हैं। तो जैसे ये निशान बनते हैं उसके एकदम बाद ये कटिंग लिप कॉन्टैक्ट में आते हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो ये क्या करते हैं, ये वुडन का जो मटेरियल है, जो वुड है, उसको उसका जो चिप्स हैं उसको रिमूव करते हैं, तो होल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ये घूम के अंदर जाते हैं तो होल बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये है ट्विस्ट, ये ट्विस्ट है, या हम अगर बात करें तो इसको हम फ्लूट भी बोलते हैं, फ्लूट्स बोल देते हैं, जैसे ड्रिल के अंदर बोलते हैं फ्लूट्स। ये फ्लूट्स या ट्विस्ट किस काम आते हैं, ये जब अंदर जाता है टूल तो यहाँ से जो वुडन के चिप्स हैं, मीन्स जो वुडन मटेरियल निकलेगा, जो होल बनेगा, जो वुडन मटेरियल निकलेगा वो इसके अंदर से फ्लो करके बाहर जाता है। वुडन की हम उसको चिप्स बोलते हैं, जो वुडन चिप्स हैं वो बाहर जाते हैं, तो यहाँ से वो ट्विस्ट करके बाहर जाते रहते हैं, और ये टूल अंदर की तरफ इंसर्ट होता रहता है वुड के अंदर। यहाँ पे ये हैंडल है, इस हैंडल के थ्रू प्रेशर को अप्लाई किया जाता है, इस तरह से ये हैंडल है, इसको घुमाया जाता है नीचे, प्रेस करके घुमाया जाता है नीचे दबाकर। तो उससे क्या होता है, जो ओगर टूल है वो नीचे की तरफ जाता है, होल क्रिएट करता हुआ वो नीचे की तरफ जाता है, और जिससे जो वुडन के चिप्स हैं वो फ्लूट्स के थ्रू बाहर आते रहते हैं, और ट्विस्ट के थ्रू वो अंदर जाता रहता है। यहाँ पे लगी है शैंक, ये शैंक है जो कि सपोर्ट करती है इस पूरे टूल को, ये काफ़ी अच्छी इसकी स्ट्रेंथ होती है। मेनली जो ओगर टूल बना होता है वो स्टील का बना होता है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इसको किसी भी मटेरियल का बना सकते हैं। ये शैंक है जो इसको सपोर्ट करती है, ये है टैंग, ये है टैंग, ये जो टैंग होती है इसका यूज़, ये टेपर होती है थोड़ी, तो इसका यूज़ करते हैं हैंडल को लगाने के लिए, ताकि हैंडल इसके ऊपर अच्छी तरह से टाइट हो सके। यहाँ से टेपर है तो ऊपर से हैंडल को हम अच्छी तरह से टाइट कर सकें, इसके ऊपर अच्छी तरह से प्रेस फिटिंग कर सकें, तो इसलिए इस शेप की बनाई जाती है। तो इसके ऊपर ये हैंडल लगता है, और जब हम इसको प्रेस करके घुमाते हैं तो ये ड्रिल करता चला जाता है और होल क्रिएट कर देता है वुड के अंदर। तो जो उगर टूल है वो इस तरह से काम करता है। ये थे उगर के पार्ट्स, उसकी वर्किंग और उसका मटेरियल। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।